आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यूजीसी की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें अब आप पीएचडी कर पाएंगे नौकरी करने के साथ साथ, यानी कि आप नौकरी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप पीएचडी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या नियम होंगे, उनके ऊपर ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। आप सभी के लिए नीरज पब्लिकेशन की तरफ से स्पेशल ऑफर है। आप मेरे लिंक से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक से आप 500 रुपये से ज़्यादा की नीरज की गाइड्स खरीदते हैं मेरे लिंक से, तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि 500 रुपये से ज़्यादा की आप गाइड खरीदते हैं तो 50% सीधा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है और सभी तरीके की गाइड्स आपको इग्नू की आपको नीरज पब्लिकेशन पर मिल जाती है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर से आप गाइड्स अपनी परचेज कीजिए। तो आप इसे देख सकते हैं, यूजीसी अब नौकरी के साथ कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी। तो अब आप नौकरी करते करते भी पीएचडी का कोर्स कर पाएंगे। पूरी खबर जान लेते हैं यहां पर। तो बहुत जल्द कामकाजी लोग अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम पीएचडी जो होती है वो भी कर पाएंगे। यूजीसी के जो अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके मुताबिक आने वाला जो शैक्षणिक सत्र है, यानी कि आने वाला जो एकेडमिक ईयर है, उसमें जितने भी भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स ऑफ़र किया जाएगा, जिसमें आपको डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए कम से कम 6 महीने का समय जो है वो फुल टाइम देना होगा। यानी कि आपका जो कोर्स होगा उसमें 6 महीने का टाइम आपको फुल टाइम देना होगा और बाकी जो है वो पार्ट टाइम के जरिए आप नौकरी भी करते रहिए और साथ में अपना पीएचडी प्रोग्राम भी पूरा करते रहिए। पार्ट टाइम पीएचडी की पात्रता जो होगी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो फुल टाइम पीएचडी के समान ही होगा। यानी कि फुल टाइम पीएचडी के लिए जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है एडमिशन के लिए, वही एलिजिबिलिटी आपको पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी चाहिए होगी और ये नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से शुरू होगा। पार्ट टाइम पीएचडी वालों का मूल्यांकन भी उसी तरीके से किया जाए, यानी कि चेकिंग होगी, जो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो भी उसी तरीके से दिए जाएंगे जो कि फुल टाइम पीएचडी वालों को दिए जाते हैं। बस ये पीएचडी फेलोशिप के योग्य नहीं होंगे। कम से कम 6 महीने का जो समय होगा वो फुल टाइम देना होगा। आपको एक एनओसी का सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उनको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जैसे एग्ज़ाम के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको अपनी जो कंपनी है वहाँ पर से छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। वर्तमान में बहुत से IIT संस्थान जो हैं वो पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स, पार्ट टाइम रिसर्च कोर्स करवाते हैं। IIT के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट पार्ट टाइम रिसर्च कोर्स करवाते हैं। DU और JNU जो है वहाँ पर ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी के पास अभी पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स नहीं है, लेकिन आगे आने वाला जो अकेडमिक ईयर है वहाँ पर से इसके ऊपर नियम बनाए जा रहे हैं और पार्ट टाइम पीएचडी भी अलाउ की जा सकती है। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी तो करना चाहते हैं लेकिन साथ में अपनी जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जॉब भी करते रहें और उसके साथ साथ आपकी पीएचडी भी कंप्लीट होती रहे। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि नौकरी भी करते हैं और पीएचडी भी करना चाहते हैं, वो अगले एकेडमिक ईयर से ये काम कर पाएंगे। आगे इसके ऊपर जो भी जानकारी होगी, जो भी नया नोटिफिकेशन निकलेगा, नया नोटिस निकलेगा, उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही।